कि जो उसको फांसी दी थी अंग्रेज शासन में, वो फांसी टल गई, उसको रिहाई मिल गई। तो तब से यहाँ पे हाईकोर्ट दरबार के नाम से जाना जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़िन, मैं वसीम शेख, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे चैनल शानी वाली करामत औलिया में। और मेरे साथ में संजय भाई है, जैसे कि आपने संजय भाई को देखा ही होगा। और आज हम लोग हैं नागपुर में। नागपुर में जो हमारे को एक ऑटो वाले भाईजान है, ये मुख्तार भाईजान, ये हमको नागपुर की काफ़ी सारी बारगाह की ज़्यारत करवा रहे। तो इन्होंने हमको एक बारगाह पे लेके आए हुए। तो मुख्तार भाईजान, ये जो बारगाह पे लाए, ये कौन सी बारगाह, ये क्या कहा जाता है? ये वाकी शरीफ में है, हाई कोर्ट कहा जाता है, बाबा जान का हाई कोर्ट है यहाँ। जी और यहीं पे सभा लोगों के काम मसले हल होते हैं। अच्छा, ये हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह का हाई कोर्ट है, जी वो जी जो अर्जियाँ लिख के डाली जाती है वो जी हाँ यहीं पर जी, डाली यहीं पर जाती डाली जाती है बाबा ताजुद्दीन के है। जी हाई कोर्ट में। जी तो नाज़िन, आइए चलते जो अंदर चल के यहाँ के जो खादिम साहब है, यहाँ के जो भी है और ट्रस्टी, उनसे कुछ मालूम हासिल करने की कोशिश करते हैं। नमस्ते, मैं महेंद्र खाड़े, वाकी हाईकोर्ट दरबार व्यवस्थापक। बाबा का ये हाईकोर्ट दरबार, इसे हाईकोर्ट दरबार क्यों बोला जाता है? बोलते हैं कि जब बाबा 1908 को वाकी गांव में आए थे, तब 1908 से 1920 तक वाकी गांव में रहे, यानी 12 साल वाकी गांव में रहे। अब वाकी गांव में रहने के बाद काशीनाथ जी ढहाके, इनके वाड़े में बाबा का रहना था। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद में बाबा का वहाँ से डेरा उनके खेत में इमली के पेड़ के नीचे हुआ। अब बाबा का जब भी इच्छा होती थी, जब भी उनकी इधर आने की, तब बाबा इस जगह पे बाबा आके बैठा करते थे। बुजुर्गों का कहना है कि बाबा का ये जो आस्थाना है वो इनका पसंदीदा था, आम के पेड़ के नीचे आके बैठा करते थे बाबा। और इस जगह पे बैठा करते थे, और बोलते हैं कि यहाँ पे फांसी वाले बंदे को बचाया है, फांसी वाले बंदे को बाबा ने बचाया। तो उसको यानी 2 दिन बाद, 4 दिन बाद फांसी होने वाली थी बोलते, और उसको यहाँ अंग्रेजों ने लाया उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए। उसकी अंतिम इच्छा ये थी कि बाबा के दर्शन करना, बाबा के पास जाना, उनको मिलना, उनके दर्शन करना। बाबा के पास लाते ही बाबा का चमत्कार ऐसा हुआ कि जो उसको फांसी दी थी अंग्रेज शासन में, वो फांसी टल गई, उसको रिहाई मिल गई। तो तब से यहाँ पे हाईकोर्ट दरबार के नाम से जाना जाता है। और देखो यहाँ का चमत्कार कि लोगों के जो भी परेशानी है, जो भी उनकी तकलीफें हैं, अगर आप सही दिल से, सही तरीके से आप यहाँ पे आके श्रद्धे से मांगते हो और अप्लीकेशन आप करते हो, और आपका जो भी प्रॉब्लम है वो आप सही तरीके से मांगते हो, तो आपका काम यहाँ पे बाबा की दया से पूरा होता है। आज जब से बाबा ने यहाँ पे मुझे सेवा करने का मौका दिया है, तब से मैं बचपन से हमारे नाना पंताओं से यहाँ से हम जुड़े हैं। हमारे खेत में बाबा का दरबार आज बाबा ने बनाया है। तो मैं देख रहा हूँ लोगों का, लोग आ रहे हैं, लोग अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे बाबा के नाम से कर रहे हैं, और वही लोग आके खुद बता रहे हैं कि बाबा की दया से हमको जो हमारा घर का मसला था, हम हमारे घर पे जो कब्जा हुआ था लोगों का, वो उससे हमको निजात मिली, छुटकारा मिला। और
ऐसी बहुत सी चमत्कारे लोग आज बता रहे हैं बाबा की दया से, बाबा की कृपा से यहाँ पे होती है। इसीलिए इस जगह को बाबा का अदालत बोलते हैं, न्याय मंदिर बोलते हैं, हाई कोर्ट बोलते हैं। सही में अगर आप यहाँ पे बाबा को मांगते हो तो बाबा आपके साथ अन्याय नहीं होने देते, न्याय होने देते। इसके लिए इसको तब से इसको हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। और ये जो दरबार है नागपुर से 30-35 किलोमीटर में आता है। आप नागपुर से बस में से आना चाहे तो गणेश पेट बस स्टैंड से भी यहाँ से बस आती है, पाटन सावंगी तक सावनेर जाती है, वो पाटन सावंगी में उतरना पड़ता है। वहाँ से 5 किलोमीटर अंदर वाकी गांव है, वो वाकी गांव में आप ऑटो से आ सकते हो या आप कोई भी गाड़ी मिल जाती है आपको आने के लिए। अगर रेलवे से आना चाहते हो तो इतवारी रेलवे स्टेशन से छिंदवाड़ा के लिए गाड़ी लगती है, वो गाड़ी पे आप बैठेंगे तो यहाँ पे पाटन सावंगी गांव में ही आपको उतरना पड़ेगा। वहाँ से ऑटो गाड़ियाँ लगी रहती है। और बाबा का ये जो आस्थाना है ये बहुत ही पावरफुल है। और आपको अगर बाबा के पास आना है तो आपको मैंने जो आपको यहाँ का एड्रेस दिया है वो आप आ सकते हो। ये जो बाबा का दरबार है ये हाईकोर्ट दरबार के नाम से वाकई से ही जाना जाता है। नमस्ते, जय बाबा। तो नाज़िन थी ज़्यारत की पूरी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने हमारी औरंगाबाद की, खुलदाबाद की और दौलताबाद की दरगाह ज़्यारत की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, और ये जो ऑटो वाले भाईजान हैं इनका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दिया है, तो आप इनको भी कॉन्टैक्ट करके जब आप नागपुर में आएंगे तो यहाँ भी आप इनसे कॉन्टैक्ट करके यहाँ पर बाकी की बारगाहों पर आ सकते हैं। खुदा हाफिज़।